वायर को रैप कर रहे हैं, ठीक है। ये लेंथ मुझे कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब इस पे वायर जो है वो वन राउंड में कितनी रैप हो रही है, जितना ये सर्कमफ्रेंस है, ये हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। एक राउंड की लेंथ आ गई। टोटल जो राउंड्स लेनी है, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना वायर वन राउंड में कवर हो रहा है उसको, उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ राउंड्स आ गए, फिर क्या करोगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगा उससे। फिर ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स को आप वन राउंड में जितनी वायर कवर हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर आ जाएगी आपके पास जो है उसका, ये गिवन है जो रेडियस गिवन है, इसको क्या करोगे, 3/2 सेंटीमीटर रेडियस भी हमें गिवन है उसका, 3/2 मिलीमीटर, इसको क्या करना है। वॉल्यूम ऑफ वायर निकाल लोगे, लेंथ आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, तो हाँ जी 8.88 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। वन राउंड में इट इज टेकिंग दिस 10 पाई, तो हमें जो राउंड्स कवर करवाने हैं दैट आर, मैंने हाइट इसकी नहीं लिखी है, लेंथ ऑफ वायर वाउंड इन, लेंथ ऑफ जो सिलेंडर है यहाँ लिख लो पहले, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर। सो इसको मैं बाद में लिख देती हूँ, आप चाहो तो बेशक यही लिखा रहने दो इसको। अब एक राउंड में जो लेंथ ऑफ वायर यूज हो रही है हमारी दैट इज 10 पाई, टोटल हम इससे 12 सेंटीमीटर कवर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ राउंड्स जो आएंगे हमारे पास दैट विल बी टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वायर इन वन राउंड दैट इज 10 पाई। सो दिस इज 6/5 पाई। अब रेडियस ऑफ वायर नहीं, अब पहले क्या निकालोगे, ये हमारे पास आ गया कि नंबर ऑफ राउंड्स आ गए, वन राउंड में जो हमारी इसकी लेंथ यूज हो रही है दैट इज 10 पाई, तो और जो रेडियस है उसका दैट इज गिवन टू बी, डायमीटर जो है दैट इज गिवन टू बी 3 मिलीमीटर। अब यहाँ ये ध्यान दो, यहाँ हमने क्या गड़बड़ की है, मान लो ये वन राउंड है, ठीक है, ये वन राउंड में जितना इसका डायमीटर था इतनी लेंथ कवर हो रही है, तो इट मींस इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना आपने। नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए किससे डिवाइड करोगे, एक राउंड में इतनी लेंथ कवर हो रही है, टोटल कितनी लेंथ है 10 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर कवर कितने से होगी, जितना उसका डायमीटर है डायमीटर से आप डिवाइड करो, ठीक है। तो किससे यहाँ पे डिवाइड होगा, ये देखो, ये लेंथ की इसकी थिकनेस है, ये मैंने इसको रैप किया वन जो है राउंड में, दिस थिकनेस जितना इसका डायमीटर है, दिस थिकनेस इट इज कवरिंग, ये थिकनेस ये कवर कर रहा है, 2 राउंड्स में उसका डबल हो जाएगा, 3 में ट्रिपल हो जाएगा, एंड सो ऑन। टोटल कितना था ये 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के जब मुझे ये नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं, जितने नंबर ऑफ राउंड्स आएंगे उसको मैं इस लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा। अब नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए जितना ये डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहे हो ना, किस से, डायमीटर से डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ राउंड्स के लिए डायमीटर से डिवाइड करना है, ठीक है। डायमीटर कितना है हमारे पास इसका, 3/20, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3/20, डायमीटर 10 है, 3/10, सो दिस विल बी 40 राउंड्स। सो आई होप दिस वन इज क्लियर कि 3/10 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कि अमृत क्लियर है कि दोबारा बताऊं, हाँ जी, तभी 3/10 आया ना। सो 40 राउंड्स ये कवर कर रहा है। अब वन राउंड में इट इज कवरिंग 10 पाई, तो 40 में कितना कवर करेगा, 400 पाई, ये लेंथ आ गई हमारे पास
उसका रेडियस है हमारे पास, वॉल्यूम निकालिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वायर. दिस इज अ सिलेंडर, वायर जो है दैट विल बी सिलेंडर इन शेप. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू नाउ कि एक राउंड में जितनी वायर का डायमीटर है, ये डिस्टेंस ऑफ दिस सिलेंडर, ये लेंथ जो है वो कवर हो रही है. तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए टोटल लेंथ को आपने इससे डायमीटर से डिवाइड किया. क्लियर है ये? क्योंकि यहां तक समझ आ गया, नंबर ऑफ राउंड्स आपके पास आ गए 40. अब आपने निकालना है लेंथ ऑफ वायर. फोर्टी राउंड्स हैं, वन राउंड में इट्स कवरिंग अ डिस्टेंस, इट्स कवरिंग अ लेंथ ऑफ 10 पाई, तो 400 पाई आ गया. पाई की लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे हम. अब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ वायर, सिलेंड्रिकल शेप है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर इज 3/20 इंटू लेंथ ऑफ द वायर, हाइट आई है हमारे पास 400 पाई. पाई की वैल्यू पुट कर दो एंड सिंप्लीफाई दिस. दिस विल गिव यू 9 pi square. ओके, अब मास ऑफ 1 gram हमें गिवन है 8.88, 1 centimeter cube इज गिवन टू बी 8.88 grams. सो मास ऑफ 9 pi square, पाई की वैल्यू पुट कर लो अब, दैट विल बी 9 × 22/7 × 22/7 into 8.88. So this will be approximately 788 grams. Calculations you will do yourself. अभी approximately बोल रहे हैं मैंने. This is approximately. Statement clear है, method clear है करने का. सबसे पहले आपको cylinder given है. Cylinder में अगर let us suppose कि इतनी thickness one round में cover हो रही है आपकी, तो whole thickness के लिए number of rounds निकालने के लिए जो इसका diameter बनेगा, उससे हम length को divide करेंगे. That will give us the नंबर ऑफ राउंड्स की वायर के इतने राउंड्स हम लपेट रहे हैं. अब एक राउंड में जो आप वायर रैप कर रहे हो वो इतनी रैप हो गई, ठीक है. तो जब मैंने इसको देखा तो दिस इज गिविंग मी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर. तो ये लेंथ जो है एक राउंड में कवर हो रही है. टोटल कितने राउंड्स हैं? 40. इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ गई? लेंथ ऑफ वायर आ गई. लेंथ ऑफ वायर यानी कि हाइट, क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल शेप में है. वॉल्यूम ऑफ वायर हमने निकालनी है. डायमीटर वायर का हमें गिवन था. रेडियस हमारे पास 3/20 आ गया था, मिलीमीटर में था, दैट यू वर टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स. और उसके बाद जो है हमारे पास 9 pi square इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ 1 centimeter cube हमें 8.88 gram गिवन था, तो 9 pi square का हमने निकाल लिया. सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1.